बिरादरी ने आप लोगों के जो सुझाव आए उसके उत्तर पर कुछ प्रस्ताव मैं आप लोगों से पारित कराना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं सर्वसमिति से मन से अनुमति लेकर उसे अनुमोदन करवाऊंगा कि पहला प्रस्ताव युवा पीढ़ी को जात कौम के गौरवशाली जात इतिहास से परिचय कराए व कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए प्रेरित करें। आप लोग सहमत हैं इस बात से? युवाओं को टेक्निकल शिक्षा के लिए प्रेरित करें ताकि युवा पीढ़ी आने वाले समय में हाथ का हुनर सीख सके, रोजगार प्राप्त कर सके। हमारे बीच गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा कि सब लोग जोरदार ताली बजाकर एक बार खड़े होकर अपने प्रिंसिपल को स्वागत करेंगे। मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जोरदार ताली बजाकर गवर्नमेंट साहब का स्वागत करेंगे। पूरे परिवार के साथ में माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच बता रहे हैं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने हमारे बीच में दीन बंधु रहमान आजम चौधरी छोटूराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जिनका हमेशा हमारे ऊपर लाड़ प्यार स्नेह और आशीर्वाद रहता है, ऐसे योद्धा हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब गवर्नर साहब आ चुके हैं, पूरा मन सज चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि हमारा समाज नशा मुक्त जाट समाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताएं। इसके लिए जन जागरण अभियान चलाने का काम आप सबके आशीर्वाद से करेंगे, आप सब लोगों को सहयोग करना है। इसके साथ साथ में हमारे समाज में मृत्यु बोध पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, सामाजिक कुरीतियों का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग बताएं, होना चाहिए? धन्यवाद। इसके बाद में जो अंतर जातीय विवाह है ये हमारे समाज के डीएनए को खत्म कर रहे हैं, इसलिए यह भी बंद होने चाहिए। और जिन संस्थाओं के अध्यक्ष मुखिया जिनके परिवार में अगर ऐसा होता है तो उनको भी ये पद छोड़ने के लिए आप लोग प्रस्ताव पारित करें। इसके साथ साथ में जो नशा अवैध कारोबार से संबंधित हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि उसे बंद करें। नशा हमारे समाज का नाश करने वाला है, उसे बंद करके बहुत से अच्छे व्यापार है उस दुनिया के अंदर जाएं और नहीं जा रहे। और जो हमारे समाज के जो प्रतिनिधि लोग हैं जो शराब का कारोबार करें उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। इसके साथ साथ में हमारे समाज के अंदर विवाह दिन के अंदर होने चाहिए, बहुत सी शादियां महंगी शादियों के अंदर दहेज और बहुत सी कुरूतियां हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोक रही है, इसलिए ये प्रस्ताव भी आज पारित करते हैं कि दिन में शादियों के लिए आप सब लोग आगे बढ़ के भागीदारी निभाएं, क्योंकि सुधार खुद से शुरू होता है, दूसरे के कहने से नहीं। आप सब लोग इतनी भारी तादाद में बैठे हैं, अगर एक एक व्यक्ति ने यह मिशन शुरू कर दिया तो हमारे समाज की दशा और दिशा बहुत आगे तक जाएगी। इसके बाद में चौधरी छोटूराम के संदेश का अनुसरण करते हुए चौधरी छोटूराम ने कहा था कि ये भोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक तो बोलना सीख ले और एक अपने दुश्मन को पहचान ले। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा मंच के माध्यम से और सामने बैठे लोगों से कि हम हमारी वाणी से कोई ऐसा शब्द ना बोले कि दूसरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे, वरना हमारे समाज के लोग दूसरे समाज से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ओछी टिप्पणियां कर देते हैं। हमें उनके ऊपर भी हमें चिंतन और मनन करना है। मैं किसी के बारे में यही कहूंगा कि चाहे मैं हूं, चाहे कलवाणी हो, चाहे पलसानी हो, चाहे अंतिम पंक्ति पे बैठा व्यक्ति हो, सब लोगों को अपनी वाणी से अच्छा बोलना है और जो अपने दुश्मन है उनको आप लोगों को पहचानना है। इसके साथ साथ हमारे समाज के अंदर एक प्रस्ताव और आया कि समाज के नेता कुछ पदों पर आसीन रहते हैं, जब तक वो पद पे रहते हैं तब तक वो समाज की बात को कम सुनते हैं और हटने के बाद में वो आप लोगों के बीच आके अपने समाज के नेता बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं प्यार भरे संदेश के साथ में, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं ना आपका है, उनको ये संदेश है कि जितना भी उनकी वाणी मन वचन और कर्म से जो भी समाज का भला कर सके उनको करना चाहिए। इसके साथ साथ में जो हमारे समाज की जो कुछ प्रमुख मांगे हैं वो भी आप लोगों के बीच रख के मैं अगली बात को अगले वक्ता के रूप में शुरू करूंगा कि जो भाखड़ा नांगल डैम है उसका नाम चौधरी छोटूराम जी के नाम से होना चाहिए। तो आप सबसे निवेदन रहेगा हमें किसी से भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, किसी से भी कुछ बात नहीं करनी, कोई संदेश देना हो
हमें देना वो मांग हम मंच के माध्यम से प्यार भरी आवाज में रखेंगे, क्योंकि मेहमान आते हैं उनको प्यार से हम इस तरीके से संदेश और मार्गदर्शन दे के हम निवेदन करें कि हमारी मांग को मना नहीं कर पाए। पहली मांग भाखड़ा नांगल डैम का दीन बंधु चौधरी सर छोटू राम के नाम से किया जाए। दूसरी मांग सर छोटू राम, राजा महेंद्र प्रताप और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। तीसरी मांग वीर गोकुला महाराजा सूरजमल महारानी किशोरी धन्ना भगत कर्माबाई वीर तेजाजी महाराजा रणजीत सिंह राजा नाह सिंह सेठ छाजूराम लांबा राजा महेंद्र प्रताप बाबा महेंद्र सिंह टिकेत कुमाराम आर्य जी राजस्थान के जाट कौम को सामाजिक न्याय दिलाने वाले ओबीसी आरक्षण के पुरोधा डॉक्टर हरि सिंह सहित जाट महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को राज्य और शिक्षा सरकार के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके साथ ही देश के अंदर जो नया संसद भवन बन रहा है उसके अंदर युग पुरुष महाराजा सूरजमल का स्मारक लगना चाहिए। हमारे समाज के अंदर संपूर्ण देश में जाट समाज को केंद्रीय और स्टेट लेवल पे हमारे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही आरक्षण के जो मुकुट में लगे हैं वो भी वापस होने चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा प्रदेश के साथ में जाट विश्नोई रोड त्यागी सिख और मुस्लिम जाट के जो एसबीसी कोटे के अंदर कैटेगरी के अंदर 8/15 कोर्ट में जो केस चल रहे हैं पुलिस सहित अन्य विभागों में उनकी ज्वाइनिंग लंबित है, उनकी ज्वाइनिंग भी तत्काल होनी चाहिए। ये मांगे हमारे बीच आई है। सर्वसम्मति से दोनों हाथ खड़े करके आप लोग इस प्रस्तावों को दोनों को पारित करने का काम करें। आप लोगों की मांगे सत्ता में बैठे लोगों के पास, विपक्ष में लोग बैठे उनके पास और सामाजिक चौधरी जो मंच पे बैठे उनके पास ये ज्ञापन पहुंचा देंगे। बड़ी शांति के साथ आप उनकी बात को सुना और इन लोगों ने भी इस बात का संदेश दिया है कि आप लोगों की मांगों के ऊपर जितना भी मन वचन वाणी से जो होगा करेंगे। मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं परसानिया जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई के लिए हुआ है।